जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रही है, अपनी नीतियों पे चुनाव लड़ने जा रही है, जो हमने कार्य किए हैं उस पे चुनाव लड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, हम 2014 से ज्यादा सीटें जीत करके भारत की सरकार बनाएंगे, पुनः नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधान। देखिए, ये वो एक तो व्यक्तिगत उनका अपना निर्णय है, उसमें हम लोगों से कोई मतलब नहीं, लेकिन जहां तक उनके साथ रहने का जहां तक सवाल है, मैं भाई जी के साथ काफी समय तक रहा हूं, लेकिन भरोसेमंद वो नेता कभी नहीं रही हैं, अपनी बात पे कभी वो टिकी नहीं है। आज वो कल आज कहती हैं गठबंधन करेंगे, कल कहते हैं कि नहीं करेंगे। जैसे कि हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के में मानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही थी, अविश्वास प्रस्ताव आया था, उन्होंने कहा था कि हम तटस्थ रहेंगे, लेकिन आए वक्त पर जब वोटिंग टाइम आया तो अपने लोगों को बुला करके तत्काल उन्होंने वोट करा दिया और एक ओर से सरकार गिरा दी। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, तभी उन्होंने धोखा दिया था। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि बहन जी के बातों पे कोई भरोसा किया जाए। आज क्या कह रहे हैं, कल उसको क्या कहेंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर नहीं बना पाई है, हम विष्णु मंदिर बनवाएंगे। अभी तक क्या कर रहे थे, उनकी सरकार थे, चाहे विष्णु मंदिर बनवाते चाहे अपना मंदिर बनवा लेते, क्यों नहीं बनवाए। अभी तक क्या कर रहे थे, जब उनकी सरकार थी तब क्यों नहीं बनवाए। अब अगर आप सपा की सरकार की बात करना चाहते थे, जिनकी सरकार में अराजकता फैली थी, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, छिनेती फिरेती कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, जंगल राज कायम हो गया था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको ऐसा मजा चखाया कि वो कहां वो 250 के ऊपर थे, कहां वो 40 पे सिमट के